हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं अर्चना राय पंचम कक्षा को संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में मैं आपको संस्कृत में व्याकरण पढ़ाई थी। व्याकरण में आपको महेश्वर सूत्र बताए थे, आप लोग उसको अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे। संस्कृत की कॉपी बना करके आप उसको संस्कृत की कॉपी में नोट करना है। आज आपको हम जा रहे हैं संस्कृत में आपको प्रथम पाठ हीरा बाल का पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों देखिए, आप लोग अपनी बुक में देखिए, एकस्मिन् क्रमे त्रय बाल का आसन ग्रीष्मावकाशस्य समय आसीत् ते प्रवासस्य योजनं कृतवन्तः अभिभावकानां अनुमति प्राप्तवन्तः नूतन वस्त्राणि धृतवन्तः बस स्थानकं गतवन्तः बस यानस्य आरोहणं कृतवन्तः बस यानं प्रतिष्ठं मार्गे अरडे आसीत्। एक गांव में तीन बालक रहते थे और ग्रीष्मकालीन के समय बिताने के लिए वो लोग अपने अभिभावक से अनुमति मांगकर नए नए वस्त्र पहन करके वो लोग बस पर चढ़ गए। ग्रीष्मकालीन समय अवकाश बिताने के लिए लोग बाहर जाना चाहते थे। इस कहानी में यही है, देखिए, बस यानम प्रतिष्ठा, बस अपने जगह से चल दी, प्रतिस्थम मतलब प्रस्थान करना, चलना, जगह से चल दी। मार्गे मतलब रास्ता, अरण्य मतलब जंगल। रास्ते में एक जंगल था, अकस्मातं लुठंकाम काह यानम अस्थगितवन्तः। लुठंकाम मतलब लुटेरे, कुछ लुटेरे उस बस में चढ़ गए। यानम अस्थिगत झटति यानस्य आरोहणं कृतवन्तः च ते भुशुण्डी दर्शितवन्तः उक्तवन्तः च भवयात्राणि स्व आभूषणानि स्वधनं च सर्व यच्छन्तु अनन्या मार्यम इति। उन्होंने जो यात्री थे उन यात्रियों को उन्होंने जो लुटेरे थे वह बस में चढ़ गए और यात्रियों को अपने अस्त्र शस्त्रों के द्वारा उनको वह डराए धमकाए और उनसे पास जो आभूषण था वह आभूषण लोग मांगने के लिए कि अगर आभूषण नहीं दिए जाएंगे तुम्हारे मतलब आपको मार दिया जाएगा। सर्वे यात्राणी भीता अभवन, सभी यात्री जो है भयभीत थे। तदा त्रय बालका सैने सैने लुंठकाम पृष्ठतः गतवन्तः, तीन बालक धीरे धीरे उन लुटेरों के पीछे गए। झटति तेषां हस्तो गृहीतवन्तः आदुयानि पतितवन्तः, सर्वे यात्राणि मिलवा लुंठकान ताडितवन्तः। सभी यात्राणि, सभी जो यात्रा करने वाले थे वह मिल करके जो लुटेरे थे उनको सर्वे सभी लोग मिलकर के उन बालकों की प्रशंसा किए। ठीक है बच्चों, तो यह हमारा संस्कृत है। इसमें आपको हम शब्दार्थ लिख दिए हैं, आप लोग शब्दार्थ देख लीजिए। बस स्थानकम मतलब बस स्टेशन, आरोहणम कृतवन्तः चढ़ गए, प्रति अस्थम प्रस्थान की चली, बस अपनी चलती है उसका दिया गया है, अरण्यम जंगल यापन, अकस्मातम अचानक, लुठंका मतलब लुटेरे होते हैं, झटति मतलब झटति शीघ्र ही जल्दी से झटते, भुशुण्डी बंदूक, आदुयानि अस्त्र शस्त्रों को मिलित्वा मिलकर आरक्षकाय आरक्षकाय सिपाही को
श्लाघ्यवंता प्रशंसित किएगा एन एन गाड़ी। तो बच्चों यह आपका पहले पार्ट का सब्जेक्ट है। आप लोग अपनी संस्कृत की कॉपी बना लीजिए और संस्कृत की कॉपी और कॉपी बना करके आप लोग पहले पार्ट में आप संस्कृत को लिखेंगे। व्याकरण की कॉपी आप संस्कृत के व्याकरण की कॉपी आप दूसरी बना लीजिए पतली सी रहेगी और इसके लिए थोड़ी मोटी कॉपी बना लीजिएगा क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा है प्रश्न उत्तर है सब तक सब कुछ लिखना है तो आपको उस कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो हम आपको गृह कार्य दिए हैं उद्यम पाठा धीरा बाल का शब्द अर्थ आपको याद करना है। तो आप अपने गृह कार्य में अपनी कॉपी में नोट में इसको शब्द अर्थ को लिखेंगे और लिख करके आप याद भी करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में बाकी चीज़ों की चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।